नमस्ते यूट्यूब, आज हम अपने दूसरे वर्कआउट के साथ मिले हैं। हमने पहले अपना वर्कआउट शेयर किया था, आपका बैक का वर्कआउट, जिसमें बहुत सारे वर्कआउट मैंने बैक के बताए थे, आप जिसमें से चुन के आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और आज हम करने जा रहे हैं अपना बाइसेप का वर्कआउट, कि किस तरीके से मेरा बाइसेप का वर्कआउट होगा, किस तरीके से मैं फॉर्म के साथ करता हूँ, किस तरीके से मेरा फॉर्म नहीं, किस तरीके से सही फॉर्म होता है और टेक्निक होता है, उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बाइसेप का वर्कआउट किस तरीके से किया जाता है। वार्म अप तो आपने देख ही चुका है कि वार्म अप किस तरीके से करना है, तो वार्म अप मैं फिर से बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जिसके कारण से मैं डायरेक्ट वर्कआउट पे आ रहा हूँ। तो फर्स्ट वर्कआउट हमारा होगा बाइसेप के लिए, ये देख सकते हैं स्ट्रेट बार है। आपको स्ट्रेट बार पर अगर दिक्कत हो रहा है, बहुत लोगों को इसमें फोर आर्म्स में दिक्कत होता है, तो आप इजी बार भी ले सकते हैं, पर मैंने आज स्ट्रेट बार लिया, तो मैं स्ट्रेट बार के साथ आज अपना बाइसेप का मूवमेंट दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बाइसेप का वर्कआउट करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 तरीके का वर्कआउट करें, आप कोई भी 3 से 4 वर्कआउट ले, उस वर्कआउट को इतना प्यार से, डेडिकेशन से, पैशन से करें कि उस वर्कआउट में आप अपने बाइसेप या चेस्ट या जो भी मसल कर रहे हैं तो उसको पूरा तरीके से फाड़ दें, ताकि आप घर जाएं तो आपका पूरा चेस्ट या जो एरिया को आप कर रहे हैं अच्छे से पेन हो। वो तो वही 4 वर्कआउट करें या 5 वर्कआउट मैक्स, बस इससे ज़्यादा मत करें, तो आप देखिए किस तरीके से होता है फॉर्म। सबसे फर्स्टली आप अपने थाई ग्रिप के जितना आपका शोल्डर विड्थ है उसके हिसाब से इसको रख लें, थंब को अंदर रखें इसमें और थाई ग्रिप के पास रख के अच्छे तरीके से चेस्ट को टाइट करें। ये नहीं कि चेस्ट को लूज करना, चेस्ट टाइट रहेगा, हेड अप रहेगा, देन इसके यहाँ से कंट्रोल रहेगा। वो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि यहाँ पे जो रिस्ट है उसमें कुछ कंट्रोल ही नहीं रहता है, रिस्ट को एकदम स्ट्रेट रखना है, ये नहीं कि ऐसे रखना है या फिर ऐसे मोड़ के, स्ट्रेट रखे। इसके बाद ये फॉर्म के साथ पूरा अच्छे तरीके से बाइसेप ऊपर गया, ये मैं क्लोज ग्रिप मार रहा हूँ, चाहूँ तो इसमें वाइड ग्रिप भी मार सकता हूँ, आप भी यही ग्रिप पे करें। तो देखिए आपने किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये तो मैंने हल्का वेट से साथ वार्म अप किया, तो नेक्स्ट वर्कआउट या फिर नेक्स्ट इसका जो मेरा मेन सेट होगा उसमें मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वेट लगा के और फॉर्म हो सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा बारबेल कर्ल के बाद हमारा डंबल कर्ल होगा, ताकि बारबेल कर्ल से हमारा पूरा ये हेड को टारगेट हुआ। अब बाइसेप के पीक के लिए डंबल से करेंगे वर्कआउट, कि डंबल से किस तरीके से होगा तो देखते हैं किस तरीके से डंबल से होगा। तो मैंने 12.5 किलो का डंबल लिया है, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको अगर 15 लगे तो आप 15 ले सकते हैं, पर वेट को इतना ले कि वेट को आप कंट्रोल कर सकें। तो ये हाथ घुमाने वाला नहीं लेना है, पहले हाथ को एकदम स्ट्रेट रखना है, ताकि मूवमेंट आपका पूरा बाइसेप का अच्छे से फील करते हुए, ये नहीं कि झटका मारते हुए, कि बहुत लोगों को देखा ये ऐसे ऐसे झटका मारते हुए, झटका नहीं मारना, आराम से बाइसेप को फील करते हुए, एक एक लेग को फील करना है बाइसेप में, कि बाइसेप से उठा लें। नेचुरली भी अगर आप अच्छा डाइट लें, अच्छे तरीके से वर्कआउट करें, तो वेंस अच्छे तरीके से मसल डिसेंट वे में आ जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रोटीन लेना है, खर्चा करना है, आप डिसेंट वे में डिसेंट बॉडी बना सकते हैं, ये नहीं कि बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, और एक अच्छा बॉडी आप बना सकते हैं नेचुरली भी। और ये आज का हमारा तीसरा वर्कआउट होगा हैमर कर्ल, डंबल से ही हैमर कर्ल करेंगे हम लोग, तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले एकदम हल्का सा, ये नहीं कि स्ट्रेट लाना, हल्का सा टेढ़ा करके लाना है, ताकि आपका नस और अच्छे से मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ये पूरी तरीके से अच्छे से आप जैसे देख पा रहे होंगे, पूरा एकदम वेंस होना चाहिए, अच्छे से मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइड में होना चाहिए, ये नहीं कि सीधा मारना है, फील करते हुए बाइसेप को साइड साइड साइड। हैमर कर्ल वर्कआउट में ये हमारा बाइसेप का ये पार्ट होता है ब्रैकियालिस, जिसे हैमर कर्ल करने से ये है कि बाइसेप हमारा जो पीक है और साइज है, साइज इंक्रीज होता है, जिसके जैसे यहाँ पे एक मसल है, जब आप हैमर कर्ल लगा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ का मसल आपका एक्टिवेट होता है। तो हैमर कर्ल अपने बाइसेप के वर्कआउट में जरूर जरूर ऐड करें इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे एक मसल होता है, वो आपका इसमें फील होता है, ये गया और इस तरीके से। और ये हमारा चौथे हमारा, और ये हमारा बाइसेप का नेक्स्ट वर्कआउट हुआ पीछे मशीन पे, आपके मशीन में अगर वो है तो उससे सिंगल हैंड मार लें, या फिर डंबल से, मेरे जिम में वो वर्कआउट मशीन नहीं है इसलिए मैं सिंगल हैंड से मारता हूँ। तो वेट कंट्रोल में रखें, अच्छे तरीके से फ्लैक्स करें इसको,
और ये पुश करें आते वक्त। आप देख पा रहे हो मेरा रेंज ऑफ मोशन कुछ भी, इसमें यह है कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है, आप झटका नहीं ले सकते, तो इसके लिए जैसे मैंने 10 किलो का वेट लिया है तो आप 7 किलो या फिर आप अपने हिसाब से जितना वेट हो, तो मूवमेंट यही रखना है कि इसमें मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है, देख सकते हैं जैसे एल्बो मेरा फंस गया तो हिल नहीं सकता है, तो इसी तरीके से आपके जिम में मशीन है तो आप मशीन से मार सकते हैं या फिर डंबल सिंगल लाइन लेके इसको अच्छे तरीके से खोलें, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खोलें। ये आज का हमारा लास्ट वर्कआउट होगा बाइसेप के लिए और ये वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है बाइसेप के लिए, तो आप देखते हैं किस तरीके से, इसका नाम हुआ कॉन्सेंट्रेशन कर्न, तो देखते हैं किस तरीके से करना है, बहुत लोगों को ये करने नहीं आता है, अच्छे तरीके से करेंगे तो ये पूरा बाइसेप का आपका पीक पे ही आएगा। तो सबसे पहले आपको पैर को स्ट्रेट रखना है, इस तरीके से एल्बो को इसमें फंसा लिया अपर थाई के पास यहाँ पे रखें, 7 किलो का डंबल, ज़्यादा हैवी नहीं चढ़ना इसमें, नॉर्मल वेट का ही चढ़ लेना, इसके बाद ये पकड़ पूरी तरीके से बाइसेप, पूरा बाइसेप के पीक पे ही आएगा। बस आप 4 से 5 बार वर्कआउट जो मैंने बताया बाइसेप का यही ऐड करके देखें, आपको रिजल्ट अच्छे से फर्क पड़ेगा, आपको 1 महीना 2 महीने के अंदर ही आप अगर फॉर्म करें तो ये इस तरीके से फॉर्म है, इस तरीके से आपने वन हैंड से मार लिया फिर देन इसको स्ट्रेट और देन दूसरे हाथ से पूरे अच्छी तरीके से बाइसेप को फील करते हुए पूरा बाइसेप को देखिए पीक पे ही आ रहा है। मैं भी ज़्यादा दिन से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है सीखा है तब मैं आपके लोगों के साथ में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए धन्यवाद, आज का वर्कआउट हमारा ख़त्म हुआ, मैंने आपको शो किया बाइसेप का वर्कआउट किस तरीके से होता है, तो ऐसे ही हम अगला वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आप लोग बोलेंगे तो डाइट प्लान हर चीज़ के साथ मैं आऊँगा। तो चलिए धन्यवाद हमारा वीडियो इतना दूर तक देखने के लिए, शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो।